हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड प्रेजेंट डॉक्टर्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नोटिस आया हुआ है 22 अप्रैल सन 2024 को ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यहाँ वैकेंसी निकली हुई है कुछ बल्क इन इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू के बेस पर कुछ वैकेंसी हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कहाँ पर कितनी हैं, कौन से कोर्सेज की हैं। BMS की भी हैं और MBBS की भी हैं, BDS की भी हैं, बाकी और भी टेक्निकल स्टाफ की हैं। वीडियो पूरा देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। अब हम आते हैं सीधा वैकेंसी के ऊपर, किस डिपार्टमेंट में कहां पर कितना वैकेंसी है। इसका इंटरव्यू होगा जो अभी मैं बताऊंगा, डेट ऑफ वाल इंटरव्यू 13/5/2024, है ना। तो यहां पर है जूनियर मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी में, एज इसका मतलब कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 30 ईयर होना चाहिए चलेगा। पेमेंट है 60,000 पर मंथ पेमेंट है और 15,000 FD मतलब फंड है, 15,000 का खर्चा वर्चा काट कूट के आपको मिल जाएगा। 4 मंथ एसेंशियल डॉक्यूमेंट मतलब आपको MBBS का भी वैकेंसी है, आयुष में भी काफ़ी कोर्स आ जाते हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये 5 कोर्स हैं, इन सब में वैकेंसी है। BDS की भी है, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड रजिस्ट्रेशन इन द रेस्पेक्टेबल मेडिकल काउंसिल मतलब रेस्पेक्टेबल मेडिकल, आयुष, डेंटल काउंसिल बिलिंग मतलब जिसका जहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ से रजिस्टर्ड डिग्री होना चाहिए। CCIM है, NCISM है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, होम्योपैथी काउंसिल है, यूनानी काउंसिलिंग है, सिद्धा काउंसिलिंग है, सारी काउंसिलिंग से रजिस्ट्रेशन है। डिस्क्राइब मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड कम्युनिटी स्टडीज में। बात करते हैं दूसरे नंबर की वैकेंसी का, ये है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। वैकेंसी है 2 पोस्ट हैं OBC और जनरल में, एक OBC का है एक जनरल का है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर एज चाहिए इसमें। 32,000 पेमेंट है प्लस 12,000 FDA है। एसेंशियल मतलब है इसमें ग्रेजुएशन इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द अबव स्पेसिफाइड फील्ड, सब्जेक्ट्स विल बी कंसिडर्ड एज 2 ईयर एक्सपीरियंस एंड विलिंग टू वर्क इन फील्ड मतलब जिस फील्ड में भी आप हो उसमें आपकी PG होनी चाहिए और आपका थोड़ा सा वर्क का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इज नॉट ड्राइंग द ब्लड सैंपल, क्या क्या चाहिए आपको एक्सपीरियंस में, जैसे ब्लड सैंपल आपको करना आना चाहिए, प्रोसेस ऑफ ब्लड सैंपल इन फील्ड स्टडी, फील्ड की स्टडी पूरी होना चाहिए आपको, ब्लड सैंपल करना आना चाहिए। इसका इंटरव्यू है, ये कुछ और वैकेंसी हैं टेक्निकल, इनका इंटरव्यू भी आपको 13/5/2024 को ही होगा। तो SRF फूड न्यूट्रिशन, सेफ्टी फूड न्यूट्रिशन है इसका। इसकी 3 पोस्ट हैं और ये 35 ईयर तक, नॉट एक्सीडिंग ऑफ 35 ईयर। इसका पेमेंट है 44,450 प्लस 12,000 FDA है। एसेंशियल मास्टर सोनी MSc MPH फूड न्यूट्रिशन होम साइंस एंड विलिंग टू द वर्क इन द फील्ड इन द एबल टू अंडरस्टूड द लोकल लैंग्वेज मतलब जहाँ भी आप काम करोगे उसमें लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन होना चाहिए MPH, MSc MPH, बाकी और भी
होम साइंस में ये सब होना चाहिए लिखा हुआ है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। उसके बाद है SRF, एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी सोशल वर्क। एक पोजीशन है, यहाँ भी 35 ही है, इसका भी पेमेंट सेम है। MSc MA MSW, एंथ्रोलॉजी सोशियोलॉजी सोशल वर्क सोशल साइंस वर्क, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बिलिंग टू द वर्क ऑफ द फील्ड ऑफ द एबल टू द अंडरस्टूड लोकल लैंग्वेज। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है इसमें। अब इसका इंटरव्यू है जो अब मैं वैकेंसी दिखा रहा हूँ इनका, 14/5/2024 को है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की ये वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, एक जनरल की है, एक OBC की है। इसमें भी एज वही 30 ईयर है। 31,000 इसका पेमेंट है, 12,000 FD है। एसेंशियल ग्रेजुएशन इन MLT मतलब BMLT DMLT, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा है। ब्लड सैंपल आना चाहिए कलेक्शन करना। BSc नर्सिंग मांगा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस नर्सिंग में मांगा हुआ है और भी फील्ड का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद 6 नंबर का है फील्ड वर्कर। 4 पोजीशन है, 4 पोस्ट हैं, एक जनरल कैटेगरी की है, 1 SC की है, 2 OBC की है। तो यहाँ पर इसमें भी 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष तक इसमें भी मांगा है। 18,000 पेमेंट है, 10,000 FDA है इसमें, 12th पास ही होना चाहिए बस, किस कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा यहाँ का वैकेंसी का प्रोग्राम। यदि आप इसमें वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे लिंक भी दिया होगा, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लिंक मुझे नहीं दिख रहा है, गूगल पर सर्च करिए ICMR में जाके वहाँ पे आप अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको डेट मिलेगी, उस जिस भी डेट में जिस भी फॉर्म में पोजीशन पे आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर अपना आपका इंटरव्यू होगा, आप इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्टेड हो जाएंगे। थैंक यू।